दोस्तों आपने कई अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस देखे होंगे, लेकिन आज हम शादियों के अंदर कुछ ऐसे कांड और हरकतों को दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि कुछ शादियों में न चाहते हुए भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो पूरी जिंदगी हंसी का कारण बन जाती हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपने ये लाइन तो सुनी होगी कि दोस्तों के होते हुए दुश्मनों की क्या जरूरत। जी हाँ दोस्तों, इस शादी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये देखिए दूल्हा और दुल्हन जयमाला के लिए कितने आराम से खड़े हैं, लेकिन दूल्हे के दोस्त को पता नहीं क्या हो जाता है कि अचानक ही दूल्हे को उठाने लगता है और अपने साथ साथ दूल्हे को भी गिरा देता है। अब भला क्या इज्जत रह गई दुल्हन के सामने दूल्हे की, भला क्या जरूरत थी लड़के को दूल्हे को उठाने की। दोस्तों जरा इस शादी को ध्यान से देखिए, लड़की और लड़के के बीच कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। ठीक है हमें रंग रूप के बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप इस लड़की के चेहरे को देखिए, ये मोहतरमा कितनी गुस्से में दिख रही हैं, मानो कि इनकी शादी जबरदस्ती कराई जा रही हो। भाई ये शादी तो लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं लग रही, अब भला क्या कर सकते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब आप इस शादी को देखिए, इस शादी में दूल्हा दुल्हन जयमाला के लिए एक साथ खड़े हैं, तभी दूल्हे के दोस्त ने दूल्हे को उठा लिया और लड़की खड़ी की खड़ी रह गई। तभी पास ही खड़े एक रिश्तेदार ने लड़की को अपने गोद में उठा लिया और जयमाले की रस्म करवा दी, लेकिन जैसे ही लड़की नीचे उतरती है तो वो पीछे मुड़कर उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हो सकता है कि लड़की को यह पसंद ना आया हो, और ये सब देखकर उस आदमी की बीवी हंस रही थी। आदमी ने अपना गुस्सा अपनी बीवी पे जोरदार थप्पड़ मार के उतार दिया। क्या बात है। अब दोस्तों आप इस शादी को देखिए, सब अच्छे से चल रहा था, दूल्हे ने दुल्हन को काफी प्यार से मिठाई भी खिलाई, लेकिन आखिरी वक्त पे लड़की को शरारत सूझी और उसका क्या अंजाम हुआ आप अपनी आंखों से देखिए। क्या जोरदार लापा पड़ा लड़की को, मानो कि मुंह ही बन गया हो। अब ये लड़की मनी मन सोच रही होगी कि बेटा तू घर चल, फिर तुझे बताती हूँ। दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि आज मेरे यार की शादी है, ये देखिए किस प्रकार ये लोग पागल होकर डीजे पे नाच रहे हैं, और इन चचा के क्या कहने भाई, इनके सामने तो कोई रॉकस्टार भी फेल हो जाए। अब दोस्तों इनसे मिलिए, ये हैं दूल्हे राजा, लड़की को ये उठाना ही नहीं चाहते, फिर भी रिश्तेदारों के बार बार कहने पे वो ट्राई कर रहे हैं, और लड़की को भी अपने दूल्हे राजा पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों के बार बार कहने पे आखिर दूल्हे राजा लड़की को उठाते हैं और सीधे जमीन पे पटक देते हैं। अब भला क्या किया जाए इन जैसे रिश्तेदारों का, पहले तो ये रिश्तेदार बार बार कह के गलतियां करवाते हैं और बाद में यही जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब दोस्तों आपने ये तो कई बार सुना होगा कि शादी एक बर्बादी है, चलिए आपको इन महाशय से मिलवाते हैं। ये महाशय अपनी शादी में अपने गम को छुपाने के लिए 4 बॉटल वोडका पहले ही चढ़ा के आए हुए हैं। इन जनाब को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे ये क्यों आए हुए हैं, इनके पैर धरती पे पड़ ही नहीं रहे ढंग से। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे चमनप्रास। दोस्तों इस वीडियो पे ये कहावत बिल्कुल ही सही बैठती है। अब जरा इस दूल्हे को देखिए, ये दूल्हा नाचते नाचते अपने दोस्त के कंधे पे बैठ जाता है, और अब इसका दोस्त भी क्या करे, वो भी खुशी के मारे उछल उछल कर कूद कूद के नाचने लगा, जिसके कारण दूल्हे का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे जमीन पे गिर गया। भाई इन इंसानों का क्या किया जाए, आप ही बताइए। दोस्तों साउथ इंडिया की शादियों में 2 चीजें बहुत पॉपुलर होती हैं। पहली चीज है सोना चांदी, और दूसरा है यहाँ के दूल्हे का लुंगी पहन के शादी करना। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बात है ये। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको जोर जोर से हंसी तो आएगी, कहीं आप हंसते हंसते गिर ना जाएं इसका ख्याल रखिएगा। ये देखिए ना दोस्तों, शादी की शुरुआत हुई कि लड़के की लुंगी नीचे आ गई है। अरे भाई किसी को भी हंसी आ जाए, टाइट नहीं थी ये लुंगी ऐसा लग रहा है। बेचारा दूल्हा क्या मुंह दिखाएगा किसी को, मुंह का पता नहीं कुछ और जरूर दिख गया लोगों को। दोस्तों अब इनसे भी मिल गए, ये देखिए कितने शातिर हैं ये। दोस्तों क्या कमाल की प्लानिंग है इनकी, ये देखिए अपने होने वाली बीवी को मच्छर के बहाने चांटा मारने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या दिमाग है भाई का, समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी शादी भी नहीं हुई है और ये हाल है इन दोनों का। शादी के बाद तो घर में बहुत ही मच्छर आएंगे, लड़की का क्या हाल होगा फिर, एक दिन लड़की भी मच्छर मारने पे आ जाएगी मैं बता रहा हूँ। दोस्तों शादी विवाह में तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, अब हजार हजार लोग आते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ लफड़ा तो हो ही जाता है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे ये लाल कपड़ों वाली लड़की दारू पीकर टल्ली हो गई है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इनका पूल डांस, वाह भाई वाह, जो अंकल खड़े हैं वो तो भाई पागल ही हो गए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। दोस्तों सबसे मजेदार बात तो ये हुई कि जैसे ही लड़की ने इस पोल को अपना बॉयफ्रेंड समझा, उसके साथ नाचने की कोशिश की, खम्बा नीचे गिर गया और पूरे के पूरे सेटअप की ऐसी की तैसी हो गई, ये तो गलत हो गया। दोस्तों कई बार पता है मुझे क्या लगता है कि बाहर देश वाले लोग भी हमारे बॉलीवुड से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, है कि नहीं। ये देखिए ना कैसे यहाँ पे जब शादी हो रही है तो लड़की को गोद में लेकर भागने की जरूरत क्या है। ये देखिए दोस्तों कैसे भागने की कोशिश की और भाई बुरी तरह से दोनों नीचे गिरे, क्या बात है क्या बात है। देखिए भाई साहब को ऐसा लगता है इनके अंदर का प्रेम चोपड़ा जाग गया था, अचानक बीवी को लेकर भागने लगे, दोनों नीचे गिर गए फिर। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर
जिसे देखकर आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे डांस फ्लोर पे पहले लड़की नाच रही है, मस्ती से थिरक रही है, अब इतने में पतिदेव भी आ गए। भाई लोगों, जब शादी में लड़का लड़की एक साथ नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं बढ़िया डांसर मैं तो नहीं मैं। यहाँ देखिए लड़के ने ऐसी छलांग लगाई कि लड़की का मुंह तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसी छलांग लगाई है इस लड़के ने, मतलब मेरे लिए तो अपनी हंसी रोक पाना थोड़ा मुश्किल है अभी फिलहाल। अब भाई इनका डांस भी देख लो, कसम से माइकल जैक्सन इनके सामने फेल हो जाएंगे भाई। ये देखिए कैसे डांस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो डांस कम कर रहे हो, मिर्गी ज्यादा आ गई है कि नहीं, कमाल है। मतलब भाई कॉन्फिडेंस पे तो फुल मार्क्स है, दाद देता हूँ मैं यार। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपको लगेगा कि इतनी खुशी तो एमएस धोनी को भी नहीं हुई होगी वर्ल्ड कप जीतने के बाद, जितनी दोस्तों खुशी आज के दिन में इस लड़के को हो रही है। जी हाँ, ये देखिए कैसे जयमाला करने के बाद ये लड़का खुशी से नाचे जा रहा है, पागल हो गया है, खूब मस्ती किया जा रहा है, कितना खुश नजर आ रहे हैं भाई। इसने तो अपनी सारी दांते बाहर निकाल दिए, कमाल है। लग रहा है कि बहुत समय से वेट कर रहा था ये शादी होने का, क्या लगता है आपको दोस्तों, फटाफट कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों पागल लोग सिर्फ हमारे देश में ही नहीं होते, बाहर भी खूब होते हैं। पागल मतलब शादी की खुशी से पागल हुआ इंसान। दोस्तों यहाँ आप भी देख सकते हैं कि लड़का लड़की दोनों ही शादी की खुशी में डांस किए जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जैसे ही लड़के ने नाचना शुरू किया ना, वो नाच कम रहा था, हाथ पैर ज्यादा चला रहा था और एक केक तो लगी है लड़की के चेहरे पे। ये देखिए लड़की का चेहरा बुरी तरह से चोटिल हो गया, बहुत बुरा हुआ। दोस्तों अब ये भी देख लीजिए, ये दोनों शादी वाले मंडप पे ही शुरू हो गए। भाई वाह क्या बात है, ये देखिए दोस्तों कैसे चुम्मा चाटी एक रस्म के नाम पे कर रही है। ओए भाई चिपक रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, कंट्रोल भाई कंट्रोल, क्या बात हो गई, घर ही तो जाने इसके बाद। दोस्तों अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप बिल्कुल हंसेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ना कैसे लड़की को रिंग पहनाने के लिए लड़का गया और स्लिप कर गया। दोस्तों उसके बाद क्या होना था, लड़की और उसके साथ खड़ा एक लड़का दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर गए। शादी करने आए थे और ये बीवी को पानी में गिरा दिया। अरे बीवी भी पानी का इस्तेमाल करेगी लेकिन वो तुमको पिला पिला के पीटेगी। दोस्तों जब आपने मन बना ही लिया है कि शादी करनी है तो बारिश क्या और आंधी क्या, कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि आपने शादी करके सबसे बड़ी परेशानी अपने साथी जो रख ली है, बाकी परेशानियां इसके सामने क्या है। आपको बता दें कि इनकी यहाँ शादी हो रही है और आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार बारिश भी हो रही है, लेकिन दिलवाले तो दुल्हनिया लेके ही जाएंगे, क्या बात है बढ़िया। दोस्तों कई लोगों को फोटो क्लिक करवाने का बड़ा शौक होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही फोटो क्लिक करवाने की बात चली वैसे ही ये क्या, लड़के ने लड़के को पानी में गिरा दिया। ये देखिए दोस्तों कैसे लड़की समुद्र में गिर गई, कहाँ पोज देना था और कहाँ पानी में गिरा दिया। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे शर्माती हुई लड़की ने लड़के को वरमाला पहनाई है दोस्तों। लेकिन इनकी स्पीड देखकर बैलगाड़ी भी बोले कि भाई तुमसे फास्ट तो मैं ही हूँ। दोस्तों ये देखिए ना कैसे धीरे धीरे माला पहना रहे हैं, लेकिन जब लड़की की बारी आई तो उसने कई बार लड़के को नहीं बल्कि उसकी टोपी को माला पहना दी। अब क्या होना था, लड़का इसे इंसल्ट समझने लगा और उसने माला उतार के ही फेंक दिया। भाई कंट्रोल करो थोड़ा यार। दोस्तों अब यहाँ भी देख लीजिए, बारात कैसे बैलगाड़ी से जा रही है, लेकिन लगता है कि भाई इन्होंने खाना ज्यादा खा लिया है। ये देखिए ना दोस्तों क्या हालत हुई है, बैलगाड़ी ही टूट गई, कमाल है भाई कमाल है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि शादियों में जवान जवान लड़के लड़कियों से ज्यादा बूढ़े लोग एक्साइटेड नजर आते हैं, जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत इमोशनल होते हैं। अब यहाँ देखिए ना कि ये अंकल क्या बढ़िया पटाखे फोड़ रहे हैं, क्या बात है, लगता है इनको अपनी शादी याद आ गई, अच्छा है अच्छा है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि कैसे स्लो मोशन में एक शादी में माला पहना रहे थे, लेकिन दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल उलट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ स्लो मोशन नहीं, यहाँ फास्ट मोशन है। दोस्तों यहाँ तो दोनों के बीच इतनी जल्दबाजी है कि आपस में ही लड़ रहे हैं दोनों, क्या बात है, लगता है शादी के पहले की प्रैक्टिस है ये। दोस्तों अब ये भी देख लीजिए, ये हमारे देश में ही हो सकता है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कि कैसे लड़का और लड़की की नई नई शादी हुई है और दोनों केक काट रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये देखिए ना कि कैसे इनके दोस्तों ने क्या प्लान कर रखा है। जी हाँ क्या बात है, जैसे ही केक काटा लड़के ने, दोस्तों ने भाभी जी और लड़के को केक में नहला दिया, कहने का मतलब है कि केक की होली खेल ली इन्होंने। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।